नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री लक्ष्मीनारायण हाई स्कूल वड़ताल, कक्षा 10, विषय हिंदी। मैं आज आपको पाठ 22 वितरित समृद्धि, जिसके लेखक डॉक्टर चंद्रकांत मेहता है, साहित्य प्रकार निबंध, हमने अगले वीडियो भाग 4 में देखा कि आज वास्तविक यानी कि सच्चा धन मनुष्य की सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम आदि गुणों में है। इन गुणों के द्वारा जो धन प्राप्त होता है वह चिरस्थायी होता है, यानी कि लंबे समय तक चलता है, जबकि द्रव्य के रूप में कठिन परिश्रम से अर्जित किया गया धन स्थायी नहीं होता, यानी कि धन के लोभ में कमाया गया धन वह स्थायी नहीं होता। अब हम पांचवें भाग में आगे निबंध की चर्चा करेंगे कि भाग्य के सृष्टाओं में सृष्टा यानी कि रच्यता, जिसका भाग्य खुला हो ऐसा रच्यता में जॉन डंकन नामक एक स्कॉटलैंड के निवासी जिसका नाम था जॉन डंकन के निवासी बोन करके गरीब पुत्र की अमेरिका एक प्रेरणादायक उदाहरण है। इस निबंध में डॉक्टर चंद्रकांत मेहता ने जॉन डंकन नामक जो स्कॉटलैंड के निवासी थे, वह गरीब पुत्र की थे गरीब, लेकिन उसका हृदय अमीर था, ऐसे अमेरिका एक प्रेरणादायक यानी कि हमारे जीवन में प्रेरणा देने वाला एक उदाहरण है, उसको हम आगे देखें। तो जॉन बिल्कुल अनपढ़ यानी कि निरक्षर, जो पढ़ा नहीं है, वह संकुचित दृष्टि का यानी एकदम संकुचित दृष्टि का असक्त, संकुचित दृष्टि का वह एकदम असक्त यानी कि कमजोर था, कुबड़ा यानी कि लाचार तथा आर्थिक दृष्टि से कंगाल, यानी कि जिसे पास धन ना हो उसकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं होती, ऐसी दृष्टि से कंगाल यानी कि गरीब परिवार का पुत्र था। कि जॉन बिल्कुल अनपढ़ संकुचित दृष्टि का अशक्त कुबड़ा तथा आर्थिक दृष्टि से कंगाल परिवार का पुत्र था। जब वह अपने मोहल्ले में से गुजरता था तब बच्चे उसे चिढ़ाते थे। जो व्यक्ति बहुत गरीब होता है, बहुत लाचार होता है, बहुत कमजोर होता है, उसे मोहल्ले के लोग भी बहुत चिढ़ाते थे। बहुत सा यानी कि बहुत बार तो पत्थर भी मार दिया करते थे। ऐसे गरीब परिवार के लड़के कुछ बोलते नहीं, इसीलिए लोग उसे चिढ़ाते हैं, पत्थर मारते हैं। उसने ढोर चराने का काम शुरू किया तो उसने मालिक ने भी उसके साथ अत्याचार किया। वह ढोर चराने जाता लेकिन जिसके ढोर थे उसे मालिक उस पर अत्याचार यानी कि मारपीट भी करता था। कभी कभी जॉन कपड़ों को निचोड़ते निचोड़ते ठंड में कांपते कांपते पूरी रात गुजार देता था। एक दिन जॉन की इच्छा हुई कि वो पढ़ाई करना सीखे। उसे भी एक इच्छा हुई कि वह पढ़ाई करे। कुछ समय के पश्चात यानी कि कुछ समय के बाद जब वह बुनाई के काम पर गया, यानी कि सिलाई करते हैं उस काम पर वह गया, तब उसने स्कूल में पढ़ने वाली एक 12 वर्ष की लड़की से उसे पढ़ाने की विनती की। जब वह काम करने गया तब स्कूल में पढ़ने वाली एक 12 वर्ष की
लड़की ने उसे विनंती की कि मुझे भी पढ़ाओ। 16 वर्ष की उम्र में जॉन ने मूल अक्षर सीखने शुरू किए। मूल अक्षर यानी कि क ख ग से उसने शुरू किया और उसके बाद तो वह खूब जल्दी से लिखना पढ़ना सीखता ही गया। पहले से जंगल में इधर उधर भटकने के कारण उसे वनस्पतियों की काफी अच्छी जानकारी थी। वह तो जंगल में ही घूमता फिरता था और इधर उधर भटकने के कारण उसे वनस्पतियां यानी कि पेड़ पौधे के बारे में उसे अच्छी जानकारी थी। उसने वनस्पति शास्त्र का एक ग्रंथ खरीदने के लिए वनस्पति शास्त्र यानी कि वनस्पति के अध्ययन का ज्ञान यानी कि उसे उस वनस्पतियों के बारे में तो वह उसे काफी जानकारी थी, लेकिन अच्छी तरह जानकारी करने के लिए उसे एक ग्रंथ की जरूरत पड़ी और इसे खरीदने के लिए 5 सिलिंग जमा करने के लिए खूब जी तोड़ मेहनत से काम किया। सिलिंग यानी कि ब्रिटिश पौंड से छोटी मुद्रा, यानी उस समय पैसों का चलन नहीं होगा इसलिए यह पौंड की एक छोटी मुद्रा चलती थी और इस वनस्पति शास्त्र का ग्रंथ को खरीदने के लिए उसे 5 सिलिंग की जरूर थी और 5 सिलिंग जमा करने के लिए उसने बहुत ही मेहनत की तथा वनस्पति शास्त्र का गहरा अध्ययन करके उस विषय का पंडित बन गया। वह तो उस विषय का पंडित बन गया। उसने बहुत मेहनत की, उसका बहुत अध्ययन किया उस ग्रंथ में और वह उस विषय का पंडित बन गया। अब उसे पढ़ाई में इतनी अधिक रुचि हो गई कि वह 80 वर्ष की वृद्धावस्था यानी कि बुढ़ापा में भी एक पौधे को प्राप्त करने के लिए उसने 12 मील की पैदल यात्रा की थी, यानी कि चलकर की जाने वाली यात्रा, उसे कहते हैं पैदल यात्रा। उसका शरीर दुर्बल था और जीर्ण शीर्ण पहनावा, जीर्ण शीर्ण का अर्थ है कि जर्जर और जीर्ण शीर्ण यानी कि फटा पुराना। उसका शरीर एकदम दुर्बल था और वह उसने फटे कपड़े पहने थे, पर उसके दिमाग की करामत अद्भुत थी, यानी कि करामत यानी कि अद्भुत कार्य करते थे वह, करामत यानी अद्भुत कार्य करना। एक बार उसे एक अमीर आदमी मिला, जॉन डंकन को एक बार एक अमीर आदमी मिला। अब उसे पता चला कि बाहर से एकदम साधारण सा दिखने वाला जॉन डंकन बाहर से बहुत ही साधारण दिखता था। जॉन वनस्पति विज्ञान का महापंडित है, वह महान विद्वान है, उसे भी आश्चर्य हुआ तो वह इस पर फिदा हो गया और उसने उसका जीवन चरित्र अखबार में छपवा दिया। जीवन चरित्र यानी कि जीवन का वृत्तांत, जीवन में किए गए कार्यों का वर्णन कि जॉन डंकन एक साधारण दिखने वाला वनस्पति का महापंडित है, तो वह इस पर फिदा हो गया और उसने उसका जीवन में किए गए कार्यों का वर्णन एक अखबार में छपवा दिया। उसके बारे में पढ़कर बहुत से लोगों ने जॉन के पास काफी बड़ी रकम के चेक भेजे, परंतु उसने इस धन को अपने लिए प्रयुक्त नहीं किया और अपने वसीयत नामे में उसने लिखा, क्योंकि उस वनस्पति शास्त्र का महापंडित और उसका वही अखबार उसका जीवन कार्य लिख कर छपवा दिया तो बहुत लोगों ने पढ़कर उस पर काफी रकम भेजी, परंतु इस धन का
उसने यही प्रयुक्त अपने आप प्रयुक्त नहीं किया, अपने वसीयत नामे में लिखा। अब आगे के निबंध की जानकारी हम अगले वीडियो में करेंगे।